हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने किचन में कद्दू की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। इसको बहुत से लोग काशीफल कोहड़ा वो कई नामों से इसको जानते हैं। मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अब आप कद्दू प्याज मैंने बारीक काट ली है, तेल में तलूंगी और सब्जी के साथ डाल दूंगी। ये प्याज के साथ में मिर्चा, खड़ा मिर्चा है ये, इसको डालूंगी। और जब सब्जी डाल दूंगी उसके बाद ये खटाई ये डाल दूंगी और ये मिर्च पिसी हुई, नमक, ये डाल के बनाऊंगी। आइए देखते हैं, तेल चढ़ाते हैं। चम्मच तेल, 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं। अब ये गरम हो जाए तो इसमें मैं प्याज डालती हूँ। प्याज और मिर्चा फ्राई करके उसमें सब्जी डाल दूँगी। ये देखिए प्याज फ्राई हो रही है। इसमें ये कटी मिर्च भी डाल रही हूँ। हल्की पिंक कलर की हो जाएगी प्याज, तब इसमें सब्जी डाल दूंगी। ये देखिए प्याज अब थोड़ी लाल होने लगी है, थोड़ी सी और हो जाए फिर मैं इसमें सब्जी डालती हूँ। अब मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ। ये नमक, मिर्चा और ये खटाई एक, ये भी इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी इसमें, बहुत थोड़ा सा, गलने के लिए डाल रही हूँ। और ये प्याज भी कच्ची डाल दिया मैंने इसमें सब चीज़ें। अब इसको गलने के लिए ढककर रख दूंगी, थोड़ी देर में ये पक जाएगी। फिर आगे बताती हूँ। ये
देखिए सब्जी अब हो गई है, अब मैं इसको भूनूंगी। इसको अब मैं इसमें जीरा और कलौंजी भूनने जा रही हूँ, इसको भून कर और सब्जी में डालूंगी। और ये पुदीना और हरी मिर्च है, ये भी डालना है, अभी भूनते के डालूंगी। ये भूंज गया है, बस जरा सा रह गया। जीरा कलौंजी साथ में भूनती हूँ तो उससे पता चल जाता है कि कलौंजी भी भून गई है। देखिए सब्जी में डाल दिया, अब ये हरा मिर्चा पुदीना भी डाल दिया। अब बस इसको 2-4 चम्मच चला कर छोड़ दूंगी। तैयार हो गई सब्जी, देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये सब्जी, टेस्ट करने में तो और भी अच्छी होगी खाने में। तैयार हो गई है ये सब्जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी इसी तरह ट्राई करके देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।